नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी अभी 28 सितंबर 2020 को यूके SSSC यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन किस संबंध में है दोस्तों? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 6 मार्च को 746 पदों के लिए यूके SSSC द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था और जिसकी अंतिम तिथि 27 जुलाई को थी। अब दोस्तों, इन 746 पोस्ट में आपकी 431 पोस्ट थी कनिष्ठ की और 81 पोस्ट थी आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो मोटा माटी तरीके से 512 पदों के लिए आपने कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहां पर आवेदन दिया था। तो दोस्तों, अब इन 512 पद में कितने पद यहां पर घटाए गए हैं और कितने बढ़ाए गए हैं, उस विषय में यह आपका पूरा विज्ञापन यहां पर दिया गया है। तो इस पूरे विज्ञापन में आयोग आपको क्या सूचना देना चाह रहा है, तो उस बारे में मैं आपको यहां पर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, पहला आपका है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 27 जुलाई 2020 के बिंदु एक रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंकित तालिका में नई क्रम संख्या 28 जोड़ी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि आशुलिपिक के 4 पदों में यहाँ पर वृद्धि की गई है। पहली बात तो यहाँ पर ये बताई गई है। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के अंतर्गत पहले 19 कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है और इनकी संख्या पर अब 18 पद हो गए हैं। तो यहाँ पर एक पद की कमी की गई है, तो कनिष्ठ सहायक में एक पद की कमी यहाँ पर, और ऊपर आशुलिपिक के 4 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद यहाँ पर 6 पदों की वृद्धि की गई है, और ये कौन से डिपार्टमेंट में की गई है, तो जिलाधिकारी चमोली के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 11 पद पहले थे और अब हो गए हैं 17, और यहाँ पर 6 पदों की वृद्धि की गई है। तो सीधे सीधे 6 और 4 10, तो 10 पदों की यहाँ पर वृद्धि हो गई है, और अभी तक कम कितने पद हुए हैं, तो एक पद कम हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जो आपका जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक के 5 पद जारी किए गए थे, इनके स्थान पर अब 4 पद जारी किए जाएंगे, यहाँ पर एक पद ही कमी हो गई। तो अभी तक टोटल देखने में आ रहा है कि 8 पदों में वृद्धि यहाँ तक हुई है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट उसमें जो नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कर संग्रहकर्ता के 3 पद जारी किए गए थे, उनके स्थान पर आपको यहाँ पर 2 पद देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर एक पद की कमी की जाती है, और ये किसमें हुई है, कर संग्रहकर्ता के पद में हुई है। इसके बाद दोस्तों, पांचवा विज्ञापन क्या बोलता है, पांचवा विज्ञापन कह रहा है कि जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर के अंतर्गत रिकॉर्ड कीपर पद कोड 162-460-25-2020 की शैक्षिक अर्हता भी चेंज की गई है। तो पहले इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था, लेकिन अब इसमें इंटरमीडिएट प्लस टाइपिंग भी मांगी गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की आपके पास न्यूनतम गति आवश्यक होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, छठा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो छठा पॉइंट जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर के अंतर्गत जो पेशकार का पद था, इसमें भी आपका मांगा गया था पहले उत्तराखंड में इंटरमीडिएट परीक्षा, लेकिन यहाँ पर भी अब इस अर्हता को चेंज कर दिया गया है। इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा तो साथ में चाहिए चाहिए, और साथ साथ में आपको हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशनिंग गति भी होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर टाइपिंग में आनी चाहिए। और ये कौन सा पद है, ये पेशकार है। यानी कि दोस्तों, मोटा माटी तरीके से कुछ डिपार्टमेंट में आपके पद बढ़ाए गए हैं और कुछ में आपकी जो शैक्षिक अर्हता है उसको चेंज किया गया है, तो उसके संबंध में ये पूरा विज्ञापन है आपका। अब देखिए दोस्तों, सातवां पॉइंट आपका क्या कह रहा है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सातवां पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो सातवां पॉइंट यहाँ पर है कि जो आपका एक विभाग है रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल, इसमें कनिष्ठ सहायक के 2 पद यहाँ पर ऐड किए गए हैं, और इनकी अर्हता क्या होगी, इंटरमीडिएट, यानी कि आप यूपी बोर्ड या फिर उत्तराखंड बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हों, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में हिंदी टंकण की 4000 की डिप्रेशन की स्पीड भी चाहिए, और इसमें आयु सीमा क्या होगी, तो 18 वर्ष से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल है जो यूके SSSC द्वारा अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो मोटा माटी तरीके से इसका जो सार निकल कर आता है, जो आपके 746 पद थे ये हो गए आप 756, इसमें आपके 10 पदों की वृद्धि देखी गई है। और दोस्तों, साथ साथ में जो आपके पद थे, चाहे वो पेशकार का हो गया या फिर आपका रिकॉर्ड कीपर का हो गया, तो इनकी शैक्षिक अर्हता में चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा है, और अगर आप देख रहे हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि आपके 10 पदों में वृद्धि की गई है। तो दोस्तों, ये था आपका लेटेस्ट अपडेट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में, और आगे भी उत्तराखंड से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डेडिकेशन हब को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें, और अपना ध्यान रखें।